अस्सलामुअलैकुम साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आप सबों को ईद की दिली मुबारकबाद, जमशेदपुर वासियों को, झारखंड वासियों को और देशवासियों को। मैं इस ईद के मौके पे अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस देश को, हमारे प्रदेश को और जमशेदपुर के शहर को एक अमन इंसाफ का शहर बनाए, सारे लोग तरक्की करें, सब के बीच में भाईचारा कायम हो और हमारा प्रदेश झारखंड देश के अव्वल प्रदेशों में उसका शुमार हो। पिछले कुछ दिनों से, तकरीबन 3 महीने से, मैं नजीबाबाद के इलाके में, नूरपुर के इलाके में, नेटौर के इलाके में, या कहें हम बिजनौर के जिले में हम घूम रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर आजाद साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चंद्रशेखर आजाद साहब की दुआएं भी करें, सहयोग भी करें, और जो लोग यहां आके अपना सहयोग दे सकते हैं इस लोकसभा में, क्योंकि जिस तरह से इस देश का माहौल बनाया जा रहा है, हमें कुछ लोगों की सख्त जरूरत है जो ऐवान में जाकर हमारी बात को उठाए इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश को एक बहुत ही मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए मेहनत करें। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद साहब जैसे लोगों का पहुंचना ऐवान में बहुत जरूरी है। मैं आप सबों से गुजारिश करता हूं कि हमारे इस मिशन में, इस तहरीक में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से ईद मुबारक, तहे दिल से ईद मुबारक।